राम राम साहब, मैं हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोस इस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं फर्जंद ऑफिशियल ट्रेलर पे। और इसके हमें काफी सारे सजेशंस आए थे जब हमने पवन किंग किया था, उसके मतलब रिएक्शन किया था और शेर शिवराज का भी तब आए थे। तो अभी हम पहले देख लेते हैं ये ट्रेलर जैसा है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोठ्याला फौजा घेऊन केलेला हल्ला म्हणजे सुलतान ठावा, पण आपलं खरं यश बुटभर मावळ्यांनी केलेल्या गनिमी काव्यातच आहे। इतना आसान नहीं है ये किला हासिल करना। आमचं नाव, आमची जात, आमचं रगात एकच शिवाजी। क्या बात है, अरे मरना समोर विजयाचा ताठा त्याच खरा मराठा। क्या बात है, शिवाजी के काफिर हैवानों का सलसला आएगा। ओ छिप छिप के वार करने की फितरत है इनके। पन्हाळा फुटे होत नहीं, मराठी वाघच हवा। किती माणसं देऊ शकतो? 3,000, 5,000 नगराज, मग 60। क्या बात है, अशा धोक्याच्या मोहिमात नको। आजवर काय कमी लेकर गमावली आम्ही। औ साहब, मराठी माय माऊलीसाठी आम्ही रागात नाही सांडायचं तर काय उपयोग आहे देहाचा। औ साहेबांनी पन्हाळ्याचा इडा दिला आपल्याला, गड्यानो आता जीव गेला तरी चालेल, पर पन्हाळा मारायचा। क्या बात है, आपण हत्या उचलायचं ते राजांसाठी, आऊसाहेबांच्या शब्दासाठी आणि महाराष्ट्राच्या मातीसाठी। सीधी तरफ बता वरना खामखा मारे जाओगे। रगात सांडूस ते आमचं पन्हाळ्याव, रक्तात शिवाजी आमच्या, जिथं सांडल तिथून 1,000 शिवाजी जन्माला येतील। So guys, ये था फर्जंद मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर। वैसे ये मूवी काफी पहले आई थी और इस मूवी में कोंडा जी फर्जंद की स्टोरी बताई गई है। जो पन्हाळा फोर्ट था उसके लिए मतलब उन्होंने वो युद्ध पे गए थे और वो डायलॉग कितना था, मतलब शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज पूछते हैं उनको कि आपको कितने सैनिक चाहिए, 1,000, 5,000, वो बोलते सिर्फ 60। और वो सच में सिर्फ 60 सैनिकों के साथ उस किले को फतह करते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज सोचते हैं कि नहीं, ये किला हमारा होना चाहिए। और तब वो वहाँ मतलब उनके दिमाग में एक ही नाम आता है कि हाँ, ये काम कोंडा जी फर्जंद अच्छे तरीके से करेंगे। और ये मूवी पूरी उसी स्टोरी पे बेस्ड है और सच में, और इसी विश्वास मतलब इतना ज्यादा विश्वास होता है छत्रपति शिवाजी महाराज को, तो वो भी उनके विश्वास पे एकदम खरा उतरते हैं। और क्या तो मतलब अच्छा ट्रेलर है ये पूरा, और मजा आया ट्रेलर देख के। और ऐसी मूवीज मतलब ये इसकी इस मतलब पूरी 8 मूवीज की पहली मूवी है। इसी मूवी के साथ ये स्टार्ट हुआ था, तो ये 8 मूवी में जैसे ये मूवी है, फिर पावन किंग भी आई, शेर शिवराज, तो ये ऐसे करके 8 मूवी आने वाली है। तो जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी है और उनके जो भी मतलब जितने भी किले फतेह हुए थे, तो वो सारी जितने भी उनके साथी थे तो उनके ऊपर भी ऐसे करके आ रही है। तो बहुत ही अच्छी मूवी है ये। हमने देखी नहीं अभी तक, ट्रेलर देख के लग रहा है कि हमें देखनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब इतिहास पता होना चाहिए हमारे भारत का। सिर्फ 60 लोगों के साथ कैसे मतलब इतना बड़ा किला फतेह करना, और वो भी जैसे स्टार्ट होता है इसमें डार्क वो सीन दिखाते हैं रात का, तो पूरा ऊपर चढ़ाई करके उनको जाना रहता है। तो गाइस, हमें ये ट्रेलर काफी अच्छा लगा, और आपको कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और दिग्पाल लांजेकर सर मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है, उन्होंने इतनी मतलब सीरीज बना रहे हैं ताकि सबको पता हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मतलब क्या क्या जंग लड़ी है और क्या क्या किया है। तो हैट्स ऑफ उनको।
और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे यूं बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।